हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र खोरे हरदा डिग्री कॉलेज से। हरदा डिग्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्वेल्थ की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है और हम यहां पर डी ब्लॉक जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये 11 नंबर का है टोटल। इसमें तीन क्वेश्चन तीन नंबर के बनेंगे, बाकी के दो क्वेश्चन एक नंबर के हो सकते हैं। इस पर हम छोटे क्वेश्चन आज देखेंगे कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और थोड़ा सा उसको हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो हम देखते हैं डी ब्लॉक। यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट में आप पहले पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, तो डी ब्लॉक यहाँ ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, इस ग्रुप में मतलब जब ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो ग्रुप है ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्लियरली, ये रहा ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर हम देखें कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से भरा जाना है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एस के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ पर आप आराम से फर्स्ट एस के दो इलेक्ट्रॉन भरे इस प्रकार से। फर्स्ट एस के जब दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन भरे। देन अगेन आप देखें कि हमें इलेक्ट्रॉन 3s और 3p में भरना है। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 4s में, दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कंप्लीट 20, क्योंकि हमारा 3d जो है वो स्टार्ट होता है स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर जब 21 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अर्थात 3d के पहले एलिमेंट 21 जो कि स्कैंडियम है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हमें सीखना है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 3d सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 3d में डी से पहले 4s को क्यों भरा जाता है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन 21 वाला जो है डी ब्लॉक में भरना है, और जब तक 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे हम डी में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते या फिल नहीं कर सकते। तो आपको इस प्रकार से 4s इलेक्ट्रॉन को पहले भरना ही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 3d सीरीज को। यहां पर अगला एक क्वेश्चन बनता है कि 3d सीरीज या डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया है, ठीक है। तो यहां देखें कि सबसे पहले फर्स्ट एस और सेकेंड एस के एलिमेंट आते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। तो डी ब्लॉक जो है उसको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में या मिडिल में रखा गया है, इसलिए भी हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं या कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, उसके बीच में हमने डी ब्लॉक को रखा है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में हम देखें कि यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट को कितने अलग अलग नामों से जान सकते हैं या कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहले फर्स्ट सीरीज है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, और इसे हम 3d सीरीज के नाम से जानते हैं, 3d सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। अगेन आप देखेंगे तो इसे 4d सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कह सकते हैं। फिर 5d सीरीज जिसमें लेंथेनाइट से स्टार्ट होता है, यहाँ पर लेंथेनाइट और एक्टिनाइट ये इनर ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट हैं, ठीक है, इन्हें एफ ब्लॉक में पढ़ा जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 5d और 6d सीरीज, और इसे 5d को 3 ट्रांजिशन सीरीज और 6d को 4 ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। यदि हम इसको ठीक से देखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये ट्रांजिशन सीरीज है। सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 3d 4d 5d और 6d। तो यहाँ पर यदि आपका एक नंबर का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको ठीक से समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि पूरे डी ब्लॉक को 3d को 4d को 5d को 6d को जब हम इनके इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उनका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है वो है n-1 d ऑर्बिटल, ठीक है। d ऑर्बिटल में 1 से लेकर के आपको 10 इलेक्ट्रॉन तक भरना है, उसके बाद ns इस प्रकार से, और s में जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
यहाँ पर N का मतलब है नंबर ऑफ सेल। जब आपकी फोर्थ नंबर की सेल स्टार्ट होती है, मैं आपको एक बता देता हूँ, जब आपकी फोर्थ नंबर की सेल स्टार्ट होती है तब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन शुरू होता है। जैसे फोर्थ नंबर की जब सेल स्टार्ट होगी तो मैं यहाँ पर फोर नंबर दूंगा, फोर माइनस वन डी फोर एस टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जब हम देखेंगे फोर में से एक माइनस करने पर यहाँ 3d आ जाएगा, और 3d में आप 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और अगेन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब कि जब आप 4 नंबर की सीरीज स्टार्ट कर देंगे तब आपका 3d भरा जाएगा। इसलिए भी 4s को पहले भरा जाता है और 3d बाद में भरा जाता है, 3d के इलेक्ट्रॉन बाद में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और S में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी हमने देखा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले 3D सीरीज की या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 10 तत्वों को रखा गया है। यहाँ आप देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक है, ठीक है। हम इसके एटॉमिक नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, उसके बाद कुछ जो तत्व है जैसे क्रोमियम और कॉपर है ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देते हैं वो देखा जाएगा। जिंक जो है अपनी सीरीज में अलग है बाकी लोगों से वो देखा जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को अपने को इस ग्रुप में देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया है। स्कैंडियम है, 4s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। आर्गन तक यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बेटा यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और ये आर्गन के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार तो आप जब इसे लिखें तो यहाँ पर जैसे आपको 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है तो आप पहले लिखें आर्गन को, फिर आप लिखें 4s के 2 इलेक्ट्रॉनों को, और फिर लिखें 3d का 1 इलेक्ट्रॉन। आर्गन लिखने का मतलब है आपने 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए हैं। इस प्रकार से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ये आर्गन के 18 और 2 20, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और एक 21 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 4s2 3d1, या आप इसको 3d1 4s2। यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल जो है 4s रहेगी और d जो है इनर सेल के अंतर्गत आएगा। तो 4s2 3d1 मतलब 18 के बाद 2 20 और एक 21, 18 के बाद 20 और 2 22। इस प्रकार से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के आगे आर्गन लिख करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्लियरली आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप सबके सामने आर्गन लिख दें, आर्गन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए गए हैं, उसके बाद बाकी के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे गए हैं। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को सिंगल सिंगल भी भरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को उनके ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से ऑर्बिटल बना करके आप लिख सकते हैं। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर देख सकते हैं भरे हुए हैं, और स्कैंडियम में 3d में d ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे होते हैं, ठीक है, जिसमें पहले ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है स्कैंडियम के लिए, दूसरे में 2, 3, 4। यहाँ पर 2 लोगों पर स्टार लगाया जाता है। ये क्वेश्चन कॉमन है कि ये 2 लोग बाकी लोगों से किस प्रकार से अलग है। इसमें 2 लोग हैं क्रोमियम और कॉपर। ये दोनों ही क्रोमियम और कॉपर अपने ही ग्रुप के तत्वों से अलग कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने ग्रुप के तत्वों से मेल नहीं खाते कॉन्फ़िगरेशन के मामले में। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाता है या फुल फिल्ड हो जाता है। तो क्रोमियम और कॉपर अपने ही ग्रुप के तत्वों से अलग विन्यास दर्शाते हैं, वो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर के बारे में, कॉपर +1 और +2 दोनों ही ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। कॉपर जो है 1 इलेक्ट्रॉन पहले ही
एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से लेकर के अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट कर लेता है, और एस ऑर्बिटल में जब एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो प्लस वन ऑक्सीडेशन को दर्शाता है, ठीक है। और यदि डी ऑर्बिटल में उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ अगेन एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को लेकर के, कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, तो उसका कारण बताइए, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, उसका कारण ऐसा है, जिंक को हम देखें तो जिंक जो है 3D में 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, कैडमियम की बात करते हैं 4D में भी 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, और मर्क्यूरी HG की बात करें तो इसका 5D ऑर्बिटल भी कंप्लीट होता है। डी ऑर्बिटल कंप्लीट होने की वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखा जाता, या कहा जाता है कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। मैंने अभी आपको क्रोमियम और कॉपर के बारे में कहा था कि क्रोमियम और कॉपर जो है अपने ही ग्रुप के तत्वों से अलग विन्यास दर्शाते हैं, उसका कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्रोमियम का जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर में भी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन होता कुछ ये है, एक्चुअली ये एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही काम होता है। इस वजह से क्रोमियम का जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाता है, और कॉपर का डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो जाता है, और एस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं। इसलिए क्रोमियम और कॉपर ऑक्सीडेशन की स्टेट में प्लस वन ऑक्सीडेशन को दर्शाते हैं, और ये अपने ही ग्रुप के तत्वों से अलग विन्यास को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ क्रोमियम और कॉपर पर एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोनों के ही कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है कि दोनों ही अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दर्शाते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज़ को। एलिमेंट हैं सारे ही, इनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, या डी ब्लॉक कम्प्लीट नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़रूर पूछा जाता है कि डी सीरीज़ में आप ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करें। तो हमने 3D सीरीज़ को ही लिया है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्वों को लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक किस प्रकार से डिफरेंट ऑक्सीडेशन दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि डी सीरीज़ के तत्व डिफरेंट या परिवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अलग अलग इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +2, +3, +4, वैनेडियम +2, +3, +4, +5, इस प्रकार से आप डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगनीज जो है मैक्सिमम +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मैंगनीज या कौन है डी सीरीज में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो मैंगनीज है। मैंगनीज +7 तक डी सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।